इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो सारे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों में अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ द फोर्स इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एक्स. तो फोर्स का रिलेशन जो है वो डिस्टेंस एक्स के साथ पूछा गया है ग्राफिकल फॉर्म में. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कूलॉम लॉ कहता है फोर्स बराबर है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर. यहां से अगर फोर्स का रिलेशन चार्जेस की प्रोडक्ट से देखा जाए तो डायरेक्ट है, डिस्टेंस के साथ देखा जाए तो फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब स्टूडेंट इन्हीं रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एफ वर्सेज क्यू वन क्यू टू की प्रोडक्ट, मींस क्यू वन क्यू टू की प्रोडक्ट अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करें, एफ को वर्टिकल एक्सिस पे, तो दोनों का रिलेशन हमें पता है क्या होता है, इट इज डायरेक्ट रिलेशन. इसका मतलब है ग्राफ फिर क्या आएगा, इट विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो दोनों एक्सिस के दरमियान में एग्जिस्ट करेगी और उसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट अगर बात की जाए ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर, इसको आर भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स भी लिखा जा सकता है, स्टेटमेंट के अंदर एक्स डिस्टेंस जो है वो लिखा गया. तो अगर एफ और आर के रिलेशन की बात की जाए हमें पता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो जब कोई दो वेरिएबल्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो ग्राफ क्या है, एक डिकेइंग कर्व की फॉर्म में आता है. तो अगर हमारे पास जो है वो एफ और आर का ग्राफ पूछा जाएगा तो इस तरह की कर्व को हमने चूज करना. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रिलेशन जो है वो प्लॉटेड हो एफ वर्सेस 1 ओवर आर स्क्वायर, अब अगर इस एक्सिस के ऊपर 1 ओवर आर स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लॉटेड हो तो तब इन दोनों वेरिएबल्स का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है इनका रिलेशन अब जो है वो इनवर्स नहीं है. अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, हमें पता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर. अब 1 ओवर आर स्क्वायर एज इट इज जो है वो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट कर दी गई है. इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं कंफ्यूजन से बचने के लिए ए. इसका मतलब है इस एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्या प्लॉटेड है, ए प्लॉटेड है. तो यहां से अगर आप रिलेशन देखें एफ और ए के दरमियान में तो एफ और ए का रिलेशन आपस में क्या बन रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. इसका मतलब है जब यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम 1 ओवर आर स्क्वायर या डिस्टेंस को एक्स के साथ अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे प्लॉट करेंगे तो रिलेशन एफ और 1 ओवर एक्स स्क्वायर या 1 ओवर आर स्क्वायर का फिर क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशन आएगा. और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होती है विद पॉजिटिव स्लोप. क्योंकि इस क्वेश्चन की ऑप्शंस के अंदर हमारे पास जो है वो अल्फा ऑप्शन में ही यही वाला ग्राफ मौजूद है तो इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, इट इज अल्फा. क्वेश्चन 98 आंसर इज अल्फा. नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए.